पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं और सितारा को एहसास होता है कि वो ठीक कह रही है। सलार तो हमेशा ही मुझे खुश करने के चक्करों में लगा रहता है, ये मैं ही हूँ जो उससे दूर भागती रहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सितारा की गलत फहमी क्लियर हो जाएगी या नहीं होगी? आप में से कौन कौन चाहता है सितारा और सलार एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सितारा और सलार जब पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर साहिबा का एक दोस्त आता है। वो सितारा के पास आता है और सितारा से कहता है कि तुमने सलार को एंटरटेनमेंट तो बहुत दी होगी, आखिर सलार ने कितने पैसे दिए हैं तुम्हारे घर वालों को कि तुम लोगों की शादी हुई है? इस तरह से फजूल बातें करना शुरू कर देता है। सलार भी वहीं पर मौजूद होता है। सितारा तो ये बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन सलार से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो आकर साहिबा के दोस्त को मारना शुरू कर देता है। साहिबा वहाँ पर मौजूद होती है। साहिबा भाग कर वहाँ आती है और फिर वो कहती है कि इसके दोस्त को पुलिस के हवाले करना चाहिए। उसका दोस्त ये सुनता है तो वो कहता है, तुमने ही तो मुझे कहा था कि सितारा के सामने ये सब बोलना है, अब तुम मुझे पुलिस के हवाले कर रही हो। साहिबा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसका पोल सलार के सामने खुल चुका है और सलार को भी अच्छे से समझ आ चुकी है कि फसाद की जड़ कौन है। एक साहिबा और दूसरी उसकी माँ दोनों मिले हुए हैं। तब सलार साहिबा से नफरत करने लग जाएगा और पार्टी छोड़कर चला जाएगा। अब उसे सारी हकीकत पता चल चुकी है कि ये जो कुछ भी गलत फहमियाँ हो रही हैं ये सारी साहिबा की वजह से हो रही हैं।